हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अचीव आई माय नेम इज नेमकाश विजयन और आज है आपकी फोर्थ जनवरी 2021 ठीक है और फिर से आप और मैं जो है अब तैयार है द हिंदू की एनालिसिस के लिए तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए जो है अब इसको हम स्टार्ट करते हैं ठीक है सो लेट इस बिगिन तो सबसे पहला जो हम आर्टिकल कवर करेंगे वो है आपका एक काफ़ी पॉजिटिव एक न्यूज़ हमारे लिए वो है ठीक तो है तो आपका सी डी एस सी ओ है सेंट्रल ड्रग्स एंड स्टैंडर्ड कमिटी ठीक है उन्होंने जो है संडे को दो वैक्सीन को टू वैक्सीन को दो वैक्सीन आपकी ठीक है उनको क्या है अप्रूवल दे दिया है ठीक है कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन कोविशील्ड जो है वो आपकी पता है कि आपको उसको ऑक्सफर्ड वैक्सीन की जैसी आपकी वो है ठीक है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है उसको मैनुफैक्चर और मार्केटिंग उसकी की जाएगी वहीं जो है कोवैक्सीन है वो आपकी भारत बायोटेक के द्वारा की जा रही है ठीक है ये आपकी जो है इंडिया की एक इंडीजीनियस वैक्सीन है ठीक है इन दोनों को जो है फाइनली अप्रूवल मिल गया है और अब जो ये हमारे जो प्रायोरिटी ग्रुप में जो लोग आने वाले थे उनको जो है इसको धीरे धीरे देना स्टार्ट कर दिया जाएगा ठीक है प्रायोरिटी ग्रुप में आपको पता है कि जितने भी हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स थे हेल्थ केयर वर्कर्स पुलिस फोर्स सैनिटेशन वर्कर्स एक्सेट्रा उन सबको जो है दी जाएगी और वहीं और वहीं जो है आपका ये जितने भी आपके लोग जिनकी 50 साल से ज़्यादा की उम्र थी उनको भी जो है ये देने की हमें पूरी पूरी उम्मीद है ठीक है और शायद को जिन लोगों को है उनको भी ये देने की हमें पूरे पूरे आसार हैं ठीक है तो हम उम्मीद करेंगे जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो और जो ये वैक्सीन था ये काफ़ी ज़्यादा एफिशियंट जो है प्रूव हो ठीक है कोई इनका साइड इफेक्ट हमें देखने को ना मिले क्योंकि जो ट्रायल्स थे वो अभी कंडक्ट पूरे तरीके से नहीं हुए थे ना ही इतना ज़्यादा कोई डाटा हमारे पास अवेलेबल था ठीक है तो देख लीजिए आप वैक्सीन आउट बट डाटा मिसिंग डाटा नहीं जाएगी होगा ठीक है कोविशील्ड और को वैक्सीन दोनों का यहाँ पर अलग से यहाँ पे आप देख लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है ठीक है कोविशील्ड अ वैक्सीन डेवलप्ड बाय द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे बेस्ड ऑन द एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन हैज बिन गिवन कंडीशनल अप्रूवल ठीक है मैंने आपको बताया कि एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ठीक है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो वैक्सीन ग्रुप था ना ठीक है उन्होंने जो है इस वैक्सीन को बनाया था और एस्ट्राजेनेका आपकी एक स्वीडिश कंपनी है जो इसको मार्केटिंग करेगी यूरोप में मोस्टली ठीक है इंडिया में इसको एस के साथ पार्टनरशिप की गई है ठीक है एफिशिएंसी की बात करें तो सेवेंटी जो है इसकी एफिशिएंसी पाई गई थी ठीक है कहाँ पर यूके और ब्राज़ी में ठीक है इंडिया का कोई रिजल्ट हमारे पास अभी फिलहाल नहीं है इंडिया की पॉपुलेशन के ऊपर जो इसका हमें जो हमें देखने मिले इफेक्ट्स वो हमारे पास उसका डाटा अभी नहीं है ठीक है और वहीं अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में अभी तक सिक्सटीन हंड्रेड को जो है ये शॉट दिया गया था ठीक है कोवैक्सीन की बात करें तो कोवैक्सीन आपको पता है कि इंडिया की इंडीजीनियस वैक्सीन है ठीक है भारत बायोटेक के साथ आई ने मिलकर जो है इसको डेवलप किया है ठीक है और इसके भी जो रिजल्ट हैं हमारे पास अभी फिलहाल नहीं है ठीक है हमारे पास इसका कोई डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है लेकिन फिर भी जो है इनको एक एमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन ऑथराइजेशन के तहत जो है अप्रूवल दे दिया गया है ठीक है द नेक्स्ट जो है वो आपका है गवर्नमेंट ऑप्स इन आई डिपार्टमेंट टू तो क्रैक डाउन ऑन जी फ्रॉड ठीक है आई डिपार्टमेंट यहाँ पर आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ठीक है आपको पता है कि दिसंबर में कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ आई थी अ, मतलब दिसंबर के बारे में आई थी ठीक है आई तो आपकी जनवरी में थी ठीक है नए साल के बाद आ, कि दिसंबर में जो आपका जीएसटी जो कलेक्शन देखी गई है वो ऑल टाइम हाई देखी गई है ठीक है वन पॉइंट वन फाइव लैख करोड़ रुपये की जो कलेक्शन है वो हमें देखने को मिली ठीक है तो उसमें जो है आपका एक काफ़ी सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट आया था कि आ, जो कॉम्पल जो आपकी कॉम्प्लाइंस दो थी ना वो हमें ज़्यादा देखने को मिली जिसकी वजह से जो आपकी कलेक्शन है वो ज़्यादा हुई ठीक है फ्रॉड जो है वो कम देखने को मिला ऐसा जो है स्टेटमेंट आया था किसी ऑफिशियल का ठीक है तो अब जो है उसको और टाइट करने के लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने आई डिपार्टमेंट को जो है अपने साथ जो है इन्वॉल्व कर लिया है ठीक है और जिसमें अब जो है आपकी सेवन आपकी कुछ फ्रॉड कंपनीज़ थी ठीक है Uh, उनकी चेकिंग भी की जाएगी ठीक है उन, उनकी उनकी मोनिटरिंग भी की जाएगी ठीक है एनी इनकम ट्रेसेबल टू द यूज़ ऑफ फेक बिल्स एंड अदर जीएसटी एस शैल बी कंसीडर्ड कंसील्ड इनकम एंड अटैक्स सी बेनल्टीज ठीक है जो भी फ्रॉड के तहत जो भी काम किए जाएंगे उनको जो है पेनल्टीज uh, जो है उन पर लगाई जाएंगी ठीक है तो वहीं जी एस टी कलेक्शन दिसंबर शो द इकोनॉमी इज अनडाउटली ऑन द फास्ट रिकवरी ट्रैक ठीक है तो जो कि मिस्टर पांडे हैं ठीक है अजय भूषण पांडे जो आपके फाइनेंस सेक्रेटरी हैं ठीक है थीके? उनका ये कहना है कि जी में जो हमें ऑल टाइम हाई कलेक्शन देखने को मिली उससे कहीं ना कहीं हमें ये एक अंदेशा मिलता है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं जो है फिर से सुधार की ओर बढ़ रही है ठीक है सरकार ने भी ऐसा ही कहा था जब ये न्यूज़ आई थी ठीक है और तो उनका ये कहना है कि जो लोग ऑनेस्ट हैं जो लोग ईमानदार हैं हम लोग जो है उनको डेफिनेटली उनका सम्मान करेंगे ठीक है ऑनरिंग द ऑनेस्ट ये लिखा हुआ है यहाँ पे देख लीजिए आप ठीक है और वहीं जो लोग फ्रॉड फ्रॉडुलेंट मीनस में इन्वॉल्व रहते हैं ठीक है जो तो लोग चीटिंग में इन्वॉल्व रहते हैं उनको जो है उनके uh, उन पर पेनल्टीज लगाएंगे उनको कहीं ना कहीं जो है हम, uh, उनको उन हूँ क्रैकडाउन जो है हम, हमारा देखने को मिलेगा ठीक है तो हम भी तो यही उम्मीद करेंगे कि बेटर से बेटर कॉम्प्लाइंस देखने को मिले कोई भी टैक्स एविजन हमें ना देखने को मिले ठीक है हैं और जो है सब लोग बराबर से अपना टैक्स पे करें आप भी कीजिए हम भी करेंगे ठीक है देन नेक्स्ट आपका एडिटोरियल एक एन एंटी डिस्कलोजर अमेंडमेंट दैट इट्स पब्लिक हेल्थ ठीक है ये आपका पेटेंट राइट रिलेटेड है ठीक है कुछ इसमें कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले थे अभी पेटेंट अमेंडमेंट्स रूल टू में ठीक है तो उसके बारे में उन्होंने कुछ बताया है ठीक है पढ़ते तो हैं अच्छा आर्टिकल थोड़ा ठीक है अच्छा आर्टिकल काफ़ी मेरे को लगा है ठीक है द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली पब्लिश द पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स 2020 अमेंडिंग द फॉर्मेट ऑफ अ स्टेटमेंट दैटनीस पेटेंटीज एंड लाइसेंस आर रिक्वायर्ड टू मैनुअली सबमिट टू द पेटेंट ऑफिस ठीक है एक स्टेटमेंट होता था एक फॉर्म जो है एक डिक्लेरेशन जो है वो एक जो भी इंसान जो भी कंपनी है जो भी ऑर्गेनाइजेशन किसी पेटेंट के लिए अप्लाई करती थी उनको जो एक स्टेटमेंट देना पड़ता था एक डिक्लेरेशन जो है गवर्नमेंट के पास सबमिट करवाना पड़ता था ठीक है उस स्टेटमेंट में ये होता था कि वो लोग बताते थे कि उन जिस चीज़ के लिए वो पेटेंट मांग रहे हैं उस चीज़ को उस इन्वेंशन को जिन्होंने इंडिया में पब्लिकली एक रीज़नेबल प्राइस पे यूज़ किया है ठीक है मतलब उनको एक्सेस दिया है इंडिया की पब्लिक को ठीक है तो ये जो पॉलिसी गवर्नमेंट की थी ये काफ़ी अच्छी थी अगर ढंग से इंप्लीमेंट की जाती तो काफ़ी अच्छी थी ठीक है जैसे आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉसिबिलिटी आपकी एक पॉलिसी है वो बहुत अच्छी पॉलिसी है और उसको ढंग से इंप्लीमेंट किया जाए तो रियल टर्म्स में उसको इंप्लीमेंट किया जाए तो बहुत अच्छी वो पॉलिसी है तो वैसे ही आपकी ये वाली थी ठीक है लेकिन अब थोड़े हमें प्रॉब्लम्स में देखने को मिली तो क्या प्रॉब्लम्स हैं इसके बारे में हम, हम आर्टिकल में बात करेंगे ठीक है तो अमेंडमेंट में क्या हुआ अमेंडमेंट में जो है आपका ये फॉर्मेट था ना जो आपका ये स्टेटमेंट था ठीक है इसमें जो है अब इनका यह कहना है कि वाटर डाउन मतलब पानी फेर दिया ठीक है तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि उन्होंने ऐसा इस वजह से कहा कि जो भी इसमें क्राइटेरिया था या जो भी इसमें इंफॉर्मेशन मांगी जाती थी कहीं ना कहीं उसको वीक कर दिया गया है ठीक है उससे ये पता लगा पाना कि हाँ सच्ची में जो है इंडियन पॉपुलेशन को इसका एक्सेस दिया गया इंडियन पब्लिक को जो है इसका एक्सेस दिया गया इंडिया में अच्छे तरीके से इसको, इसको इस्तेमाल किया गया ठीक है ये सारी चीज़ें जो है उससे पता लगा, नहीं लगा पाएंगे ठीक है तो ये हम आगे देखते हैं और आगे ठीक है और कहीं ना कहीं इन्होंने जो है पब्लिक हेल्थ पब्लिक हेल्थ आपको आजकल पता है कि बहुत न्यूज़ में रहेगा ही रहेगा डेफिनेटली क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है अभी फिलहाल खत्म नहीं हुआ है हम उम्मीद करेंगे जल्दी से जल्दी खत्म हो लेकिन अभी फिलहाल खत्म नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं जो है इसी वजह से पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड इन्होंने इसको जोड़ा है अभी ठीक है तो डिस्कलोजर ऑफ इंफॉर्मेशन ठीक है तो इन एक्सचेंज ऑफ ट्वेंटी ईयर पेटेंट मोनोपोली ग्रांटेड टू एन इन्वेंटर इंडियाज पेटेंट लॉ लो अ ड्यूटी ऑन द देटेंटी ठीक है तो अगर मान लीजिए कोई बीस साल के लिए कोई आ, पेटेंट के लिए अप्लाई करता है तो जो इंडिया का जो लॉ है ना वो एक ड्यूटी जो है उस पेटेंटी के ऊपर जो है इम्पोज करता है और वो ड्यूटी क्या है वो ड्यूटी यही है कि जो इन्वेंशन है ठीक है उसका जो बेनिफिट है वो इंडिया की पब्लिक के पास पहुंचना चाहिए रीज़नेबल प्राइस पे ठीक है मतलब इंडिया के जो पब्लिक है उसको उस इन्वेंशन का एक्सेस मिलना चाहिए ठीक है इनफैक्ट द पर्पस ऑफ ग्रांटिंग पेटेंट्स इट सेल्फ इज़ नॉट Uh, is to not ओनली encourage इनोवेशन बट also ensure डेट इनोवेशन are worked इन इंडिया ठीक है तो इस पेटेंट का मतलब ये नहीं सिर्फ यही नहीं है कि जो आपकी इन्वेंशन है उसको encourage करें बल्कि ये भी है कि जो आपकी इन्वेंशन जो अच्छी अच्छी हो रही है जो यूनिक इन्वेंशन की, की जा रही है ठीक है वो जो है इंडिया में वर्क की जाए ठीक है तो ये इसकी ये पॉलिसी काफ़ी अच्छी थी लॉ काफ़ी अच्छा था ये ड्यूटी अगर डंक रियल टर्म्स में अगर इंप्लीमेंट होती तो काफ़ी अच्छी थी ठीक है लेकिन फेलियर अब यहाँ पर आ चुका है ठीक है वाटर डाउन जैसे कि हमारे राइटर जी ने कहा ठीक है कि आ, पानी फेर दिया है तो उसके बारे में देखते हैं अब ठीक है फेलियर ऑफ़ दिस ड्यूटी को ट्रिगर कंपलसरी लाइसेंसिंग और इवन सब्सिक्वेंट रिवोकेशन ऑफ द पेटेंट अंडर द पेटेंट्स एक्ट 1970 सेवेंटी ठीक है अगर ऐसी ड्यूटी जो है फॉलो नहीं की जाती अगर किसी मान लीजिए किसी ने अगर इंप्लीमेंट सॉरी किसी ने अगर मान लीजिए अप्लाई किया है ठीक है पेटेंट के लिए उसको मिल भी गया लेकिन फिर उसने जो है अपनी ड्यूटी फॉलो करने से मना कर दिया ठीक है या फिर गवर्नमेंट को बोल दिया कि हाँ मैंने कर लिया लेकिन रियल में लेकिन सच्ची में नहीं किया रियलिटी में उसने नहीं किया ठीक है तो जो उसका पेटेंट है उसको रिवो कर दिया जाता ठीक है लेकिन अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने तो अपना काम करी, करा ही करा गवर्नमेंट ने क्या किया वीक कर दिया सब कुछ ठीक है जो भी आपकी स्टेटमेंट जो मांगी जाती थी तो उसको जो है वीक कर दिया लेकिन कोर्ट ने भी जो है आ, इस पर इंजंक्शन के लिए मना कर दिया कोर्ट ने भी ठीक है द डॉर्मेशन ऑन द एक्सटेंट ऑफ द वर्किंग ऑफ द इन्वेंशन इन इंडिया इज क्रिटिकल फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस पब्लिक इंटरेस्ट मेजर प्रोवाइडेड बाय लॉ टू चेक अब्यूज ऑफ पेटेंट मोनोपोली ठीक है तो सेक्शन वन फोर्टी सिक्स टू ठीक है जो कि आपके बाकी के किसी भी आपको किसी भी कंट्री के पेटेंट लॉस में देखने को नहीं मिलेगा उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि एवरी पेटेंटियन लाइसेंसी टू सबमिट द पेटेंट ऑफिस एन एनुअल स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग द एक्सटेंट टू विच दे हैव वर्क द इन्वेंशन इन इंडिया ठीक है तो ये आपका कौन सा सेक्शन में मिलेगा आपको ये प्रोविजन सेक्शन 146 फोर्टी सिक्स टू ठीक है इंडियन पेटेंट लॉ में आपको मिलेगा ये ठीक है और ये यूनिक है याद रखना किसी और देश के पेटेंट लॉ में ये हमें देखने को नहीं मिलता मतलब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के पेटेंट लॉ में हमें देखने को ये नहीं मिलता ठीक है कुछ कुछ में होगा लेकिन मोस्टली हमें देखने को नहीं मिलता ठीक है तो उसमें क्या है कि जितने भी आपके लाइसेंस या पेटेंटी होंगे उन पर एक ड्यूटी डु लगाई जाती है कि उनको एक एनुअल स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा ठीक है पेटेंट ऑफिस के अंदर जिसमें वो बताएंगे कि उन्होंने किस एक्सटेंट तक इस इन्वेंशन को जो है इंडिया में यूज़ किया इंडिया की पब्लिक को इसका एक्सेस दिया है ठीक है जो डिस्क्लोजर होगा वो आपका फॉर्म ट्वेंटी सेवन फॉमेट हो, होता है आपका ठीक है पेटेंट टू टू थाउजेंड थ्री के अंडर ठीक है उस फॉर्म में आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी द स्टेटमेंट इज मैन टू हैव द पेटेंट ऑफिस पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स एक्सेट्रा ठीक है टू डिटरमाइन वेदर द पेटेंट ही हैज़ वर्क द इन्वेंशन इन इंडिया ठीक है तो ये जो आपका ये फॉर्म आपका डाला जाएगा जो ये आपकी स्टेटमेंट दी जाएगी उससे पेटेंट ऑफिस जो आपका होगा या फिर पोटेंशियल जो कॉमन कॉम्पिटिटर uh, होंगे वो इस बात को पता लगा पाएंगे कि इंडिया में इंडियन पब्लिक को इसका एक्सेस दिया भी गया है कि नहीं दिया गया है? और दिया गया है तो किस एक्सटेंट तक दिया गया है ठीक है अगर इसको सच्चे में अगर इसमें अच्छे प्रोविजन हो ठीक है अच्छा इसका फॉर्मेट रहे तो डेफिनेटली हम पता लगा पाएंगे जो पेटेंट ऑफिस है वो पता लगा पाएगा कि हाँ इसको अच्छे से इंप्लीमेंट किया गया है इसको किस ए, किस एक्सटेंट तक इसको जो है यूज एक्सेस इसका इंडियन पॉपुलेशन को दिया गया है लेकिन अगर मान लीजिए अगर बेशक आ, आपने प्रोविजन तो बना दिया लेकिन जो आपके क्राइटेरिया रहेगा ठीक है जो आपके रूल्स रहेंगे वो थोड़े वीक बना दिए तो फ़ायदा तो इसका कुछ हुआ नहीं ना ठीक है तो अनफॉर्चुनेटली पेटेंटीज एंड लाइसेंसिस एज वेल एज द पेटेंट ऑफिस हैव ब्लेटेंटली disregarded this statutory रिक्वायरमेंट ठीक है तो अब जो है इसको डिसरिगार्ड कर दिया गया है ऑल्सो देर हैज बिन सिग्निफिकेंट प्रेशर फ्रॉम मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन एन द यूएस गवर्नमेंट टू डू अवे विद दिस रिक्वायरमेंट ठीक है तो अब इसका जो प्रेशर था वो आपकी मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन के लिए भी आ गया एम एंड सीज जितनी भी आपकी होती है उन्होंने भी जो है गवर्नमेंट को बार, बार बार बोला कि आप जो है इसको हटा दीजिए इस प्रोविजन को हटा दीजिए क्योंकि कहीं ना कहीं को प्रॉब्लम होती होगी ना वो अपना बेनिफिट नहीं कर पा रहे होंगे कमर्शियल बेनिफिट या मॉनेटरी बेनिफिट उनको नहीं हो रहा होगा ठीक है तो वो तो अपना फायदे देखेंगे वो क्यों देखेंगे लोगों का भला हो रहा है नहीं हो रहा ठीक है तो एम ने डेफिनेटली मना किया होगा ठीक है यू गवर्नमेंट का भी काफ़ी प्रेशर था कि आप इसको हटाइए ठीक है तो कहीं ना कहीं इसको धीरे धीरे जो है साइलेंटली इसको हटा दिया गया है धीरे इसको काफ़ी वीक कर दिया गया है तो ये सही अभी भी है लेकिन वीक बहुत कर दिया गया है ठीक है तो अब वीक कर दिया गया है तो इसके एक्स का होना या ना होना जो है बिल्कुल बराबर सा हो गया है ठीक है हम तो यही चाहेंगे कि हो ठीक है तो एक पी भी फाइल की गई ठीक है पब्लिक इंटरेस्ट एटिगेशन भी जो है दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल की गई 2015 में ठीक है जिसमें उन्होंने काफ़ी बताया जो आपके पिटिशनर थे ठीक है उन्होंने बताया कि जो भी आपका स्टेटमेंट है उसमें काफ़ी ज़्यादा हमें डिफेक्टिव फीलिंग हमें देखने को मिल रही है ठीक है तो कोर्ट ने जो है इसको सुना इसको ठीक है तो गवर्नमेंट ने क्या किया गवर्नमेंट ने खुद से जो है इस जो ये प्रॉब्लम थी ठीक है इसको खुद से जो है सरकार ने जो है एक्नोलज किया उन्होंने बताया कि हाफ फॉर्म ट्वेंटी सेवन जो उसका जो फॉर्मेट अभी है ठीक है वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है ठीक है काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है वो उन्होंने उन्होंने सर... उन्होंने जो है हाई कोर्ट को ये भी कहा उन्होंने कोर्ट को ये भी कहा कि हम, है हम है तो तो जो है इसमें चेंजेस लेकर आएंगे हम जो है इसमें अप्रोप्रिएट अमेंडमेंट्स करेंगे ठीक है तो कोर्ट ने कहा ठीक है तो आप अमेंडमेंट्स कर लीजिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है तो कोर्ट ने फिर उस पटिशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया ठीक है तो उसके बाद फिर आ, सरकार ने क्या किया सरकार ने तो यह बोल दिया कोर्ट में कि हाँ जो है इसमें अप्रोप्रिएट अमेंडमेंट लेकर आएंगे इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे लेकिन सरकार ने लेकिन सरकार ने एक्चुअली में क्या किया ठीक है तो 2018 में जो है आपका ये केस डिस्पोज किया गया ठीक है तीन साल के बाद लेकिन गवर्नमेंट जो नए रूल लेकर आई वो आपकी लाई दो साल के बाद कितने हैं लंबे समय के बाद और दो साल के बाद चलो अगर लाई भी तो थोड़े अच्छे लेके आती अच्छे लेकर नहीं आई ठीक है लेके कैसे है कि और जो है इसको वीक कर दिया जो आपका जो आपका फॉर्म ट्वेंटी सेवन था उसका फॉर्मेट जो है वो और वीक कर दिया अब इसको और पता लगाना लगा पाना मुश्किल हो गया कि अब इसको जो इंडियन पॉपुलेशन है इंडियन जो पब्लिक है उसको उसका एक्सेस दिया भी गया है कि नहीं दिया गया ठीक है इंस्टेड ऑफ कॉलिंग फॉर मोर इलेबोरेट डिटेल्स ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑलरेडी सॉर्ट इन द फॉर्म एज सजेस्टेड इन द पी आई एल द अमेंडेड फॉर्म हैज़ रिमूव द रिक्वायरमेंट ऑफ सबमिटिंग अ लॉट ऑफ सच इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ठीक है तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को जो है uh, अब नहीं मांगा गया ठीक है अब जो है थोड़ी थोरोली जो है इन्फॉर्मेशन मांगी गई ठीक है तो कहीं ना कहीं इससे वीक हुआ ये सब दे आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन रिस्पेक्ट ऑफ द क्वांटम ऑफ द इन्वेंशन ठीक है मैन्युफैक्चर इंपोर्टेड इन टू इंडिया द लाइसेंसिस एंड सब लाइसेंस ग्रांटेड डूरिंग द ईयर एंड द मीटिंग ऑफ पब्लिक रिक्वायरमेंट एट रीजनेबल प्राइस ठीक है तो ये सारी चीजें उसमें नहीं मांगी गई ठीक है पब्लिक रिक्वायरमेंट रीजनेबल प्राइस पे की गई या नहीं की गई ये भी नहीं मांगा गया ठीक है क्वाटम ऑफ द इन्वेंशन जो है ये सारी इस सब पे जो है कि इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी गई इनफॉर् नहीं मांगा गया ठीक है द रिमूवल ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ समिटिंग एंड लाइसेंसिंग इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग डिस्क्लोजर ऑफ इवन द एक्स्टेंस ऑफ लाइसेंसिस मीन्स दट द पेटेंट लाइसेंसिस कैन जस्ट सेल्फ सर्टिफाइड दैट दे हैव वर्क द पेटेंट विदाउट हैविंग टू सपोर्ट द क्लेम विद द डाटा ठीक है तो अब जो है अब उनको ये पावर दे दी गई ठीक है अब वीक कर दिया तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली पावर आ गई उनके पास अब तो सेल्फ सर्टिफाई कर देंगे ठीक है अगर मान जाए लाइसेंसिंग की इन्फॉर्मेशन आपने नहीं मांगी उनसे ठीक है तो उनके पास अगर सेल्फ उनके पास तो खुद से ही पावर आ गई ना कि वो खुद से सर्टिफाई कर देंगे इस बारे में ठीक है तो कहीं ना कहीं यह कही गलत है ठीक है ये काफी एक जो है एक वीक करने वाली चीज है तो अब पब्लिक इंटरेस्ट की बात करें ठीक है तो उस पर क्या असर पड़ता है ठीक है टू कंक्लूड द गवर्नमेंट हैज सिग्निफिकेंटली वी द क्रिटिकल ड्यूटी इम्पोड बाय द लॉ ऑन पेटेंट इस लाइसेंसिस टू डिसक्लोज पेटेंट वर्किंग इन्फॉर्मेशन ठीक है तो, तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ वीक हो चुका है ठीक है और कहीं ना कहीं जो पर्पज था जो कि आप जो है इसको लेकर आइए इंडियन इंडिया में जो इनोवेशन है उसका जो इन्वेंशन है ठीक है उसका यूज़ किया जाए कहीं ना कहीं जो पर्पज़ था ये डिफ़ीट कर दिया गया है ठीक है उसको हम जो है अब अचीव uh, नहीं कर पाएंगे अगर ये सब कुछ चलता रहा तो तो हम तो यही उम्मीद करेंगे जल्दी से जल्दी हो ठीक है द लैक ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन कुड प्रिवेंट इन इन्वोकेशन ऑफ कंपल्सरी लाइसेंसिंग ठीक है तो आपको पता है कि पहले तो ये होता था हमने ये प्रोविज़न तो ऐसे बनाए थे कि अगर मान लीजिए कोई अपनी ड्यूटी फॉलो नहीं करेगा तो जो आ, उसका जो पेटेंट होगा उसको इन्वोक कर दिया जाएगा उसको जो है रिवोक कर दिया जाएगा ठीक है ठीक है लेकिन ऐसा भी अब वीक करते रहेंगे तो फिर आसानी से जो सबको पेटेंट मिलते रहेंगे ठीक है जब ये हमें पता लगाना ही मुश्किल हो जाएगा कि सच्ची में इंडियन इंडियन पब्लिक को इसका एक्सेस दिया गया कि नहीं दिया गया ठीक है तो फिर तो जो है ईजी uh, सबको जो है मिलते जाएंगे पेटेंट्स ठीक है फिर तो मोनोपोली मोनोपोली हमें देखने को मिलेगी ठीक है फिर तो फ़ायदा क्या होगा सच लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी इन केस ऑफ पेटेंटेड मेडिसिन कु इन टर्न हैव एडवर्स कॉन्सिक्वेंसिस फॉर पब्लिक हेल्थ और मान लीजिए कोई ऐसा समय आ जाए ठीक है जैसा कि अभी है ठीक है कोरोना वायरस पैंडेमिक जैसा कोई टाइम फिर से आ जाए ठीक है तो मान लीजिए कोई मेडिसिन है उस पे, वो पेटेंटेड मेडिसिन है ठीक है पेटेंट है उसमें तो आपको पता है कि फिर उसकी जो एक्सेस है वो कितनी कम हो जाएगी ठीक है सिर्फ लिमिटेड एक्सेस जो है उसका रहेगा लोगों के पास ठीक है तो कितनी प्रॉब्लम्स जो है हमें कैसे समय में देखने को मिल सकती है ठीक है एक ऐसा टाइम जहाँ पर मेडिसिन जो है, है काफ़ी लाइफ सेविंग हम मान सकते हैं मान लीजिए अगर एस आपकी है, है हाइड्रोक्सी क्लोराक्वीन ठीक है उस पर पे पेटेंट होता ठीक है तो कितनी प्रॉब्लम होती है क्योंकि कितने सारे देशों में आपको पता है हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन आपकी गई थी ठीक है बहुत सारे देशों में गई थी बहुत सारे देशों में ठीक है अगर उस वक्त जो है ये पेटेंट होती ठीक है उसमें पे पेटेंट लगा रहता तो कितनी प्रॉब्लम हो जाती भाई बहुत प्रॉब्लम हो जाती ठीक है देयर फॉर द गवर्नमेंट मस्ट री कंसिडर इट्स अमेंडमेंट टू द फॉर्म टेकिंग इन टू अकाउंट द पी आई एल रिकमेंडेशन एंड री अमेंड इजोल्व टू रजिस्टर एज वेल एज स्ट्रेंथन एड स्पिरिट ठीक है तो गवर्नमेंट का जो है फिर से इसको कंसिडर करने की जरूरत है ठीक है अपने अमेंडमेंट्स को ठीक है और जितने भी पी में जो रिकमेंडेशन दी गई थी उनको जो है फिर से ध्यान दें उस पर ठीक है और फिर से जो है इसको अमेंड करें ताकि ये जो प्रोविजन है इसको फिर से जो है हम इसको स्ट्रेंथन कर सकें ठीक है डोंट इग्नोर द वुमन फार्मर्स ठीक है ये आपका नेक्स्ट एक हमारा एडिटोरियल है ठीक है यहाँ पर काफ़ी काफ़ी एक आ, मेरे एक फेवरेट वन ऑफ द फेवरेट साइंटिस्ट है एम एस स्वामीनाथन उनका नाम लिखा गया है ठीक है तो उनका कहना था कि सम हिस्टोरियंस बिलीव दैट इट वॉज वुमेन हु फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड क्रॉप प्लांट्स एंड देयर वाई इनिशिएटेड द आर्ट एंड साइंस ऑफ फार्मिंग ठीक है तो कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि जो वुमेन है ठीक है उन्होंने जो है सबसे पहली बार प्लान्स को उगाना स्टार्ट किया था डोमेस्टिक डोमेस्टिकेशन का स्टार्ट किया था ठीक है तो क्या उन्होंने तर्क दिए एक बार उसके बारे में बात करेंगी और वहीं फिर अभी जो करंट हमारा है ठीक है इससे रिलेटेड वुमेन फार्मर्स रिलेटेड उनके बारे में बात करेंगे ठीक है वाइल मैन वेंट आउट हंडिंग वाँद सर्च ऑफ फूड वुमेन स्टार्टेड गैदरिंग सीड्स ठीक है आपको पता है कि पहले समय से ये प्र, आपकी प्रथा चलती आ रही है कि जो आपकी आ, फैमिली में जो फीमेल होती थी जो आपकी लेडीज होती थी वो आपके घर में रहती थी और जो मेल होते थे ठीक है जो आपके मैन होते थे वो आपके बाहर जाते थे खान ढूंढने के लिए ठीक है शिकार करने के लिए ठीक है जो कि वुमेन रहती थी ना वो उस टाइम पे घर पे रह के जो सीड्स होते थे उनको गैदर करती थी उनको इकट्ठा करती थी ठीक है नेटिव फ्लोरा से ठीक है और फिर जो है कैसे ही किसी तरीके से उन्होंने पता लगाया होगा कि अगर हम ऐसा करेंगे इसको हम मिट्टी में डालते हैं एट्सेट्रा तो जो है हमें इसका फ़ायदा मिल सकता है हम जो इसको उगा सकते हैं ठीक है तो उन्होंने ऐसा किया होगा तो कहीं ना कहीं उनका ये मानना है कि जो ये आपका स्टार्ट हुआ ये सब कुछ ये सब कुछ लेडीज़ ने स्टार्ट किया वुमेन ने स्टार्ट किया ठीक है अ कॉमन मिसकनसेप्शन इन इंडिया वैन ए वी वी टॉक अबाउट एग्रीकल्चर विथ थिंक ऑफ मैन एज फार्मस इंडिया में जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं ना तो हम बोलते हैं किसान तो किसान से आप आप खुद भी सोचिए आप किसान सोचिए आपके दिमाग में वर्ड आपके दिमाग में जो पिक्चर बन जाएगी ना वो खेत में खड़े हुए एक आदमी की बनेगी औरत की नहीं बनेगी एक आदमी की बनेगी ठीक है यही बात मैंने भी पहली बार ध्यान दिया ठीक है मेरे में भी यही बनता था अब नहीं बनेगा ठीक है हाउ एवर इट्स दिस इज फार फ्रॉम द ट्रूथ अकॉर्डिंग टू द एग्रीकल्चर सेंसस सेवेंटी थ्री पॉइंट टू परसेंट ऑफ रूरल वुमेन आर एंगेज इन फार्मिंग एक्टिविटीज़ बट ओनली ट्वेल्व पॉइंट एट परसेंट ऑन लैंड होल्डिंग्स ठीक है तो अगर हम एग्रीकल्चर uh, सेंसस की माने ठीक है तो सेवेंटी थ्री पॉइंट टू परसेंट जो आपकी ग्रामीण महिलाएं हैं ठीक है वो farming activities involved फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं ठीक है फार्मिंग एक्टिविटीज में अब वो uh, अब वो किसी और के पे भी हो सकता है किसी और की लैंड होल्डिंग्स पे और खुद की लैंड होल्डिंग्स पे भी हो सकता है ठीक है तो 73.2 परसेंट जो वोमन है वो आपके 12.8 परसेंट उनमें से जो आपके 12.8 परसेंट है उन्हीं के पास जो है लैंड होल्डिंग्स हैं मतलब उनके नाम पे जो आपकी ओनरशिप राइट्स हैं ठीक है द इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे रिपोर्ट दैट एट्टी ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इंड इन द कंट्री इज इन्हेटेड बाई मेल मेम्बर्स ठीक है तो ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे के मुताबिक जो आपका इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे है ठीक है उसमें जो आपकी 83 थ्री परसेंट ऑफ़ एग्रीकल्चरल लैंड है ठीक है वो मेल मेंबर्स के नाम पर है ठीक है उनको मिलती है ठीक है वहीं अगर ये नंबर हम फीमेल काउंटर पार्ट्स का देखें ठीक है लेडीज के नाम पर देखें कितनी जमीन हमें देखने को मिलती है इनहेरिटेड ठीक है तो वो आपकी टू हो जाती है ठीक है मतलब कितना बड़ा गैप है कितना बड़ा एट्टी का गैप है तो बहुत बड़ा ये अमाउंट है बहुत बड़ा ठीक है दस वुमेन आर मोस्टली लेफ्ट विदाउट एनी तो कहीं है, है, तो कही ना कहीं जो है फार्मर्स की डेफिनेशन में वो फिट नहीं बैठती है ठीक है क्योंकि मान लीजिए उनके पास खुद की लैंड नहीं है और वो किसी अगर और, और वो काम करती है तो कहीं ना कहीं उनको लैंड लेस लेबर की कैटेगरी में रखा जाएगा फार्मर्स की कैटेगरी में उनको नहीं रखा जाएगा कहाँ रखा जाएगा लैंडलेस लेबर की कैटेगरी में बिसाइड्स 81% वन परसेंट ऑफ वुमन एग्रीकल्चर लेबर्स बिलोंग टू शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस सो दे ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू लार्जेस्ट शेयर ऑफ कैजुअल एंड लैंडलेस लेबर्स ठीक है और एट्टी एटी वन परसेंट जो हमारी वुमेन एग्रीकल्चर लेबर्स हैं ठीक है वो आपकी एस सी एस टी और ओ बी सी क्लास से आपकी ताल्लुक रखती हैं ठीक है तो दिस इज़ द बिगेस्ट शेयर ऑफ एंड लेबर्स तो अब गो सरकार की बात करें सरकार ने क्या किया सरकार का तो काम है ना पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना सबकी ग्रीवेंसिस को रिड्रेस करना ठीक है उनके हित के लिए काम करना तो सरकार ने यहाँ पे क्या किया ठीक है सरकार ने यहाँ पे कुछ नहीं किया द गवर्नमेंट टू टर्नस अ ब्लाइंड आई टू देर प्रॉब्लम ऑफ नॉन रिकोग्नीशन एंड कन्वीनियंटली लेबर्स एज कल्टीवेटर्स और एग्रीकल्चरल लेबर्स बट नॉट फार्मर्स ठीक है तो <coughs> तो गवर्नमेंट uh, ने भी उनको रिकोगगनाइज़ नहीं किया ठीक है तो गवर्नमेंट ने भी उनको क्या किया कल्टिवेटर्स और एग्रीकल्चर लेबर्स की कैटेगरी में डाल दिया फार्मर्स की कैटेगरी में उनको नहीं रखा गया विदाउट एनी रिकोगगनीशन वूमन आ स्टमेटिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम ऑल बेनिफिट्स ठीक है आपको पता है फार्मर्स के लिए हमारे देश में बेनिफिट्स लाए जाते हैं ठीक है स्कीम्स थोड़ी बहुत लाई जाती हैं जो लाई जाती हैं क्योंकि पता है आपको फार्मर्स की कंडीशन पहले से बहुत पैथेटिक है ठीक है तो उनके एलिवेशन के लिए जो है आपकी लाई जाती हैं स्कीम्स ठीक है तो अगर मान लीजिए फार्मर्स की कैटेगरी में ही वुमेन को नहीं रखा जाएगा तो उनको वो बेनिफिट्स कहाँ से मिलेंगे ठीक है तो मोर ओवर दे आर नॉट गारंटेड द राइट्स विच वुड अदरवाइज बी गिवन ठीक है अगर फार्मर्स की कैटेगरी में वो लोग होते वो आपकी वुमन होती तो कहीं ना कहीं जो राइट्स जो मदद जो है फार्मर्स को दी जाती है ठीक है वो कहीं ना कहीं उनको ही मिल सकती थी जैसे कि आपके लोन्स मिल सकते थे ठीक है कल्टिवेशन के लिए और लोन वेवर्स लोन माफ़ किया जाता है ठीक है देन क्रॉप इंश्योरेंस सब्सिडीज और इवन कंपेंसेशन टू देर फैमिलीज इन केसेस वेयर दे कमिट सोसाइड ठीक है आपको पता है फार्मर्स जो सोसाइड करते हैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में ठीक है अगर मान लीजिए कोई आ, मेल फार्मर सुसाइड कर लेता है तो वो उसको जो है थोड़ी बहुत पब्लिक अटेंशन मिल जाती है ठीक है लेकिन मान लीजिए कोई आ, कोई लेडी है ठीक है वो सुसाइड कर ले ठीक है और वो फार्मर ही हो मतलब नज़रों में हमारी फार्मर हो लेकिन रिकोगनाइज तो गवर्नमेंट ने वो कर नहीं रखा तो कहीं ना कहीं सरकार की नज़र में वो कल्टिवेटर या फिर एग्रीकल्चर लेबर रह जाएगी तो उसका रिकोगनीशन जो होता है जो फिर कंपेंसेशन जो मिलता है वो फैमिली को नहीं मिलेगा ठीक है तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो फायदे मिलने चाहिए वो फायदे वो फायदे भी जो है उनसे दूर रह जाते हैं इस चीज़ की वजह से नॉन फार्मर्स इज़ ओनली वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ठीक है तो एक महिला किसान अधिकार मंच है मकाम ठीक है महिला किसान अधिकार मंच एक ऑर्गेनाइजेशन आपकी है ठीक है उनका यह कहना है कि जो इस जेंडर गैप की वजह से जो लैंड वाटर और फॉरेस्ट पे भी जो एक्सेस होता है ना वो भी अनईक्वल है ठीक है देर इज जेंडर एक्सेस टू सपोर्ट सिस्टम स्टोरेज फैसिलिटीज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड कैश फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट और फॉर पेइंग ऑफ ओल्ड ड्यूज ठीक है इन चीज़ों पे भी जो एक्सेस रहता है आपका स्टोरेज फैसिलिटीज़ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर इन सब पे भी उन उन पे भी जो है वो जेंडर के बेसिस पे इनइक्वल है ठीक है जेंडर के बेस पे भी जो है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन रहता है ठीक है मेल्स के लिए थोड़ा फायदे वाला हो जाता है और वही फीमेल्स की बात करें तो वो थोड़ा आपके लिए डिस्क्रिमिनेटेड रहता है ठीक है ये आपका मकाम एक ऑर्गेनाइजेशन का कहना है ठीक है देर इज ऑल्सो जेंडेड एक्सेस टू इनपुट्स एंड मार्केट्स ठीक है तो इन सब जगहों पर जो है हमें काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन इस वजह से देखने को मिलता है ठीक है द फार्म लॉस की बात करें फार्म लॉस आपके काफ़ी आजकल चर्चा में है ठीक है आपके पता है दिल्ली के बॉर्डर्स पर मोस्टली आपके बहुत सारे किसान जो है आपका अब आपके लगभग 40 दिनों से हम वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं ठीक है सिंगू बॉर्डर टीकरी बॉर्डर एक्सेट्रा पे ठीक है मैं खुद दिल्ली का रहने वाला हूँ तो मुझे पता है इस बारे में ठीक है पता खैर सबको है लेकिन सिंगू बॉर्डर टीकरी बॉर्डर में आपको नाम बताया ना ऐसे तो ये काफी सुने हुए नाम है मेरे द्वारा ठीक है नाव दे हैव अ न्यू वरी द फार्म लॉस इंस द गवर्नमेंट्स पॉलिसी नेवर एम टू रिड्यूस डिस्पैरिटी और दिस वन फार्म फ्यस फार्मर्स फियर दैट द फार्म लॉज विल फर्दर डिपेंड जेंडर इक्वलिटी ठीक है उनका ये कहना है कि फार्म लॉज आने की वजह से जो आपकी जेंडर इनक्वालिटी है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा बढ़ जाएगी ठीक है एमएसपी आपको पता है कि एक प्राइम फोकस रहा है इन सारे बिल्स का इन सारे एक्ट्स का ठीक है मतलब एक्ट्स के अगेंस्ट में जितने भी आपके एजुकेशन में देखने को मिलने उनमें एम एस जो है वो आपका प्राइम फोकस रहा है ठीक है जितने भी आपके प्रोटेस्ट करने वाले फार्मर्स हैं ठीक है एम को लेके वो काफ़ी ज़्यादा बोले हैं कि एम के बारे में हमें एक लीगल गारंटी चाहिए कि एम एस हमें मिलेगा ही मिलेगा ठीक है उनकी एक दो आपकी दो डिमांड अभी रह गई है ना एक आपकी टोटल रिपील और देन आपकी सेकंड वाली डिमांड है आपकी लीगल गारंटी ऑफ एम ठीक है तो एम वाली डिमांड जो है काफ़ी आपकी चर्चा में रही है ठीक है तो ठीक है तो एक ये उन्होंने बताया कि एक रीज़न है ठीक है देन आपका उन्होंने बताया है कि जो आपकी वुमेन रहती हैं वो कहीं ना कहीं इतनी उनके पास नेगोशिएटिंग पावर्स नहीं होती ठीक है नेगोशिएटिंग पावर्स उनके पास इतनी नहीं होती कि वो बड़ी बड़ी एंटिटीज़ बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट एंटिटीज़ बड़े बड़े बिजनेस के साथ जो है वो नेगोशिएट नेगोशिएशन कर सकें ठीक है मोल भाव कर सकें ठीक है इतनी पावर उनके पास नहीं रहती तो कहीं ना कहीं एक, एक जो हमारे देश में जेंडर इन इक्वलिटी चलती रहती है ठीक है उसका ये कारण है कि वो जो है नेगोशिएट नहीं कर पाती ठीक है बट वाई दिस स्ट्रगल रेजिज ऑन वी मस्ट नॉट फॉर गेट द ट्रबल्स ऑफ आवर वुमन फार्मर्स ठीक है तो भी सब कुछ चल ही रहा है तो हमें जो अपनी वुमन फार्मर्स के ट्रबल्स को नहीं भूलना चाहिए ठीक है पर हैप्स दैट इज़ वाई दे आर एट फ्रंट लाइन ऑफ दिस प्रोटेस्ट टू रिमाइंडर्स दैट डे आर टू फार्मर्स एंड डे हेव एन इक्वल स्टेक इन दिस फाइट ठीक है आपने जो प्रोटेस्टिंग इमेज आपने देखी होगी ना अपने जो फार्मर्स जो आपके प्रोटेस्ट कर रहे हैं ठीक है थेके? उनकी अपनी इमेज अगर सोशल मीडिया वगैरह पे देखी होगी तो आपके जो वुमेन पार्टिस जो आपकी वुमेन पार्टिसिपेशन है वो भी देखने को मिली है ठीक है जो आपके महिलाओं ने जो पार्टिसिपेट किया है वो भी हमें काफ़ी बड़े लेवल पर देखने को मिला है ठीक है तो वो कहीं ना कहीं वो यही बताना चाहती हैं कि हाँ जो है हम भी इस फाइट में इनके साथ हैं ठीक है थेके? हम भी किसान हैं तो हम पे भी असर पड़ेगा ठीक है तो कहीं ना कहीं ये मौका है सरकार के पास कि वो उनको भी रिकेगनाइज़ करे उनको भी जो है काफ़ी बराबर के राइट्स दे ठीक है तो उनके फ़ायदे की बात रहे ठीक है और वुमेन पार्टिसिपेशन मैं ये बात मानता हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर हमको फाइव ट्रिलियन डॉलर्स की अर्थव्यवस्था बनना है दो तक ठीक है तो इसके ऊपर है आपका एक आज आर्टिकल भी आया हुआ है द अन अकेडमी जबकि अन अकेडमी जो आपका है ठीक है टीचिंग प्लेटफॉर्म उनकी तरफ से आपका आर्टिकल भी आया हुआ है जो आपका पर मंडे आता है ठीक है हर मंडे जो आपका आता है ठीक है तो आप देख सकते हैं उसको जाके ठीक है मैं उसको यहाँ पे लगा नहीं सकता कुछ कॉपी राइट इशू की वजह से ठीक है तो आप जाके उसको जरूर देखें पढ़े ठीक है वो काफ़ी अच्छे आर्टिकल हरिमंडे का आते हैं ठीक है देन आपका नेक्स्ट है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिट्स फॉर ट्रांस फैट लेवल्स इन फूड्स ठीक है तो आपको पता है कि फैटी एसिड जो आपका रहता है ठीक है जो आपका रहते हैं ठीक है थीके? वो काफ़ी ज़्यादा एक इन अनहेल्दी uh, रहता है ठीक है जो आपके ट्रांस फैटी एसिड रहते हैं वो काफी अनहेल्दी रहते हैं हमारे बॉडी के लिए ठीक है जो आपके फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उन्होंने जो लिमिट है वो आपकी थ्री परसेंट कर दिया टू थाउजेंड ट्वेंटी वन के लिए ठीक है जितने भी आपके एडिबल ऑयल्स होते हैं उनमें ठीक है ये आपकी लिमिट जो है फैटी एसिड की वो आपकी थ्री परसेंट कर दी टू पॉइंट ट्वेंटी ट्वेंटी वन के लिए मतलब इस साल के लिए भाई इसको घटा के अगले साल टू परसेंट कर दिया जाएगा ठीक है जिनमें आपकी ये लिमिट मीट नहीं की जाएगी कहीं ना कहीं जो है उन एडिबल ऑयल्स पर आपका बैन लगा दिया जाएगा ठीक है एडिबल्स आपके मोस्टली वही होते हैं ठीक है रिफाइंड ऑयल्स वनस्पति ठीक है डालडा आपने नाम सुना होगा डालडा ठीक है वो रहता है आपका रथ ये सब आपके एडिबल ऑयल्स में आते हैं ठीक है इनमें जो आपको फैटी एसिड है ठीक है उनको कम करने की बात लगातार डब्ल्यू के द्वारा भी कही जाती है ठीक है कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपके जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है ना जबकि हार्ट एलमेंट्स है वो बढ़ जाती हैं ठीक है ठेके? तो इसको काउंटर करने के लिए जो है ये सब किया जा रहा है ठीक है तो अप्रोक्सीमेटली डब्ल्यू के मुताबिक हर साल 5.4 लाख फोर लैख डेथ समय देखने को मिलती है इस वजह से ठीक है तो बाकी की न्यूज़ की अगर बात करें देन सी बी सी सेट टाइम लाइन फॉर विजिलेंस केसेज ठीक है सी बी सी आपका पता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है ठीक है काफी इंपॉर्टेंट आपका ये इंस्टीट्यूशन है तो इन्होंने जो है आप टाइम लाइन सेट कर दी है जो आपके केसेस एक पर्टिकुलर टाइम के बीच में आए थे उनको डिस्पोज करने के लिए आपके एक टाइम जो है लिमिट जो है आपकी सेट कर दी गई है ठीक है

देन आपका पी एम कोग्रेचुलेट साइंटिस्ट फॉर वैक्सीन ठीक है पी एम ने जो है हमारे देश के साइंटिस्ट और डॉक्टर्स को जो है काफ़ी मुबारकबाद दी क्योंकि हमारे देश में अब दो वैक्सीन को जो है आपका अप्रूवल मिल चुका है ठीक है वो तो हमें वक्ति बताएगा कि वो वैक्सीन कैसा असर करती है पर फिंगर्स क्रॉस्ड हम यही चाहेंगे कि वो वैक्सीन बहुत अच्छा काम करे ठीक है तो थैंक यू सो मच सब्सक्राइब अचीव आई एस मैं उम्मीद करूँगा कि आपको सब कुछ आपको समझ में आया होगा कोई प्रॉब्लम हुई नहीं होगी ठीक है कोई प्रॉब्लम हुई है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है आप डेफिनेटली मैसेज कर सकते हैं ठीक है थैंक यू सो मच सब्सक्राइब एच यू वाई सिंनेस टेलीग्राम थैंक यू